मेरा बाबर आजम से कोई ताल्लुक नहीं है और ना था। अगर मीडिया में किसी भी किस्म की कोई भी वीडियो चलाएं तो वो मेरी मर्जी के मतलब खिलाफ है। मैं कोई भी ताल्लुक मतलब बाबर आजम से ना मैंने रखा पहले और ना ही अब मैं रखती हूँ। अगर आगे मजीद कोई वीडियो बाबर के खिलाफ मेरे नाम से चलाई जाएगी तो वो मीडिया की कार्रवाई मतलब खिलाफ की जाएगी। फ्लैट नंबर 100 लाहौर की रिहायश हूँ। मैंने एक दरख्वास्त थाना नसीराबाद में बाबर आजम व मोहम्मद आजम के खिलाफ दी हुई है जो सरसर झूठ और बदनीति पर मबनी है। बाबर आजम और मैं पुराने मोहल्लेदार थे लेकिन अब मैंने वो इलाका तकरीबन 3 साल से छोड़ दिया हुआ है। मैं अपने कुछ दोस्तों के कहने पर बाबर आजम को तंग करने की खातिर थाना नसीराबाद में दरख्वास्त दी थी। दरख्वास्त की मदरजात सरासर झूठ और बदनीति पर मबनी है। बाबर आजम का मेरे साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक ना पहले था और ना आज है। मैं कुछ दोस्तों के कहने पर जिनका ताल्लुक नाम ना मीडिया से है उनकी बातों में आ गई थी। ये मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि मीडिया वाले ऐसे नहीं करते, वो सब ड्रामे ही होंगे ना, वो सब मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे और बाबर आजम के नाम से फायदा हासिल करके झूठी शोहरत हासिल करना चाहते थे। लेकिन अब मेरा जमीन मुझे ये सब गलत काम करने से रोक रहा है, लिहाजा मैं अपनी दरख्वास्त वापस लेती हूँ क्योंकि दरख्वास्त झूठ और बदनीति पर मबनी थी। मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव ना है। मैं अपनी पूरी मुकम्मल रजामंदी से बयान तरी कर रही हूँ। अगर आइंदा मैं इस किस्म की कोई कार्रवाई करूँ, दरख्वास्त दूं या मीडिया में आके बाबर आजम के खिलाफ कोई बयान दूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है, अब आप यहाँ पे अपना राइट हैंड लगाएंगी, पहले आप इसके लगाएंगे, देखें ठीक है, थोड़ा डिप कर लें आप और अब इस अपने इस नाम स्पेलिंग के नीचे, फिर दोबारा डिप करके इसके नीचे, अब इसी तरह किसी स्टैंड को भी दोबारा लगा लें प्लीज। राणा आपने ऊपर से लगाइएगा ताकि वो फैले ना।